लोडर वाहन ने रेलवे फाटक तोड़ा, रेल और सड़क यातायात बाधित। कासगंज कानपुर रेल मार्ग पर एक लोडर वाहन ने रेलवे फाटक को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना में फाटक का पाइप OHE ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन पर गिर गया, जिससे रेल यातायात ठप हो गया। इस दौरान इस मार्ग से गुजरने वाली 4 ट्रेनें प्रभावित हुई और लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक ट्रेन संचालन बंद रहा। रेलवे कर्मचारियों ने काफी प्रयास के बाद फाटक के पाइप को लाइन से हटाकर ट्रेनों का संचालन पुनः शुरू किया। इस घटनाक्रम से यात्रियों को काफी असुविधा हुई, वहीं सड़क यातायात भी बाधित हो गया। अमानपुर मार्ग पर जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ड्राइवर की लापरवाही कुछ घटना घटित हो गई थी। मैंने देखा कि फाटक से गिर रहा था पर तो चिंगारियाँ दी थी। मैं आया यहाँ पे कोचिंग के लिए जा रहा था, तो देखा मैंने कि मैं आलिंग पंगा था।